हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। हमने लास्ट लेक्चर में एम्पियर सर्क्यूटर लॉ देखा था, आज मैं उसके एप्लीकेशन की फॉर्म में एक टॉपिक आपको करा रहा हूँ, वो है सोलेनोइड। तो क्वेश्चन ये अराइज करता है कि सोलेनोइड हमारे पास क्या चीज होती है। पहले हम सोलेनोइड को समझने की कोशिश करते हैं। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे, फिर सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकलता है, ये सारी चीजों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सोलेनोइड क्या है। जैसे इस तरीके से आपने एक रॉड ले लिया और इसमें आपने करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए आपके पास एक तार है, उसने आपको इसके चारों ओर लपेट दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, जैसे ये वायर है हमारे पास, इस वायर को अगर हम इस तरीके से इसमें लपेट देते हैं, या आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, ये मार्कर के ऊपर जो मैंने लगाया हुआ है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इस तरीके से जो चीज बन के आती है, दिस इज सोलेनोइड। सिंपली हम बोलते हैं कि आपके पास, आप करंट कैरिंग कंडक्टर में इस तरीके से लगा देते हैं तो आपके पास ये सोलेनोइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी जो डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो हमारा टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, द टॉपिक इज सोलेनोइड। तो सोलेनोइड की जो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, अ सोलेनोइड मींस एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली। सोलेनोइड की हम बात करते हैं तो हमने कहा, लिखिए सोलेनोइड में लिखिए डेफिनेशन, अ सोलेनोइड मींस एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ठीक है। एक कॉपर वायर है जिसमें हमने क्लोजली इस तरीके से तार को लपेटा हुआ है, वाउंड क्लोजली इस तरीके से हम इसमें वायर को लपेट के रखते हैं, ठीक हो गया, और हेलिक्स की फॉर्म में बनता है, दैट इज कॉल्ड अ सोलेनोइड। कॉपर वायर हो जाएगी, कॉपर वायर में क्लोजली, अब इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड का मीनिंग होता है इसका इससे कॉन्टेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली विद द हेल्प ऑफ अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड अ सोलेनोइड, ठीक है। अब सोलेनोइड के अंदर अगर हम डायरेक्शन की बात करते, तो आप सोच के चलिए डायरेक्शन के लिए क्या किया, एम्पियर ने एक एम्पियर राइट हैंड रूल, आप कह सकते हैं कि एम्पियर राइट हैंड रूल से हम इसमें डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। तो एम्पियर राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये वायर में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो वो बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं कि आप क्या करिए, जिस डायरेक्शन में, जैसे अब इसमें क्या होगा, ये तार तो ऐसे मैंने लपेटा हुआ है तो ऐसे ही तो करंट फ्लो करेगा, ये तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस तरीके से तार को लपेट रहा हूं मैं, ठीक है। अगर इसको खोल देता हूं, मैं सीधे छोड़ देता हूं, तो आप एक बार के लिए ऐसे सोचिए कि इसमें स्ट्रेट है, ये तो स्ट्रेट ही तो इसमें करंट फ्लो करना है ना, अगर इस तरीके से स्ट्रेट है तो ऐसे करंट फ्लो करना है इसमें, सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अब मैं इसको ऐसे करके लपेट दे रहा हूं, तो ये करंट जो स्ट्रेट फ्लो कर रहा था वो अब सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल कहलाता है उनका, कि आप राइट हैंड से सोलेनोइड को इस तरीके से मान लीजिए पकड़ लीजिए, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सपोज मैंने कहा इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कहते हैं, एम्पियर ने बोला है कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप इस तरीके से उंगलियों को अपने कर्ल कर लीजिए, इस तरीके से मोड़ लीजिए, तो जो आपका एक्सटेंडेड थंब है, थंब जिस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आपने प्रीवियसली जो लेक्चर हमने पढ़ा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये हमने देखा था ना, एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैंने आपको करवाया था, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे लेते हैं और इस पी पॉइंट पे निकालते हैं एक्सएल कंडीशन में, तो फिर हम इस तरीके से यहाँ पे कॉम्पोनेंट बना रहे थे डीबी, ठीक है, आपको याद होगा ये डीबी कॉस थीटा था, और इस लोअर वाले पार्ट से ये भी डीबी कॉस थीटा आ रहा था, और इस डायरेक्शन में आपका डीबी जा रहा था, और यहाँ पे आपका ये डीबी साइन थीटा ऊपर वाले की वजह से, और इसकी वजह से भी डीबी साइन थीटा जा रहा था, तो रिजल्टेंट जो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से, जो सर्कुलर कॉइल है इसकी वजह से रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इस तरीके से जा रहा था इधर को, समझ रहे ना, तो सर्कुलर कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर हमने ऑन क्लोज इसके लिए बात करते हैं सोलेनोइड के लिए, तो ये जो सोलेनोइड में मैं लपेट रहा हूं तो सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है, तो सर्कुलर फॉर्म के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो अब वो तो इधर भी हो सकता है इधर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला आप राइट हैंड से जिस डायरेक्शन में, अगर करंट इधर को फ्लो कर रहा है, इनकेस इधर फ्लो कर रहा है, तो आपके अंगूठा इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो दिस एक्सटेंडेड थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आपका सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये इस तरीके, तो कहने का मतलब ये होता है कि सोलेनोइड के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वो ये जो हमने रॉड ली है,
रॉड की एक्सिस के अराउंड होगा. दिस डायरेक्शन कैन बी आइदर इन दिस वे और इन दिस वे. इट इज अप टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. वो राइट हैंड थंब रूल से हमको पता चल जाएगा. ठीक है, तो हमने दोनों चीजें देख ली. सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होगा. ऑब्वियस सी बात है, करंट फ्लो कर रहा है तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. और उसके बाद हमने एक चीज और देख ली कि डायरेक्शन क्या होगी. तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, राइट हैंड को पकड़ना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल कर देना है, और जिधर आपका थंब जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप बात करते हैं कि सोलेनोइड के बारे में, सोलेनोइड दिखता कैसा है, अगर आपको कॉपी में बनाना है तो आप इस तरीके से सिंपल सा एक डायग्राम बना सकते हैं. ऐसे उसमें वायर्स को इस तरीके से यहां से बना करके, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो इधर होगी या इधर की तरफ होगी. एक तरफ बना सकते हैं आपने इस तरीके से, इसमें करंट की डायरेक्शन को ऐसे दिखा देते हैं. ठीक है, तो अब बड़ा सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोलेनोइड. ठीक है, आप इस तरीके से इसमें बोलिए कि करंट फ्लो कर रहा है, आपने इसको कर्ल कर दिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने देख लिया. अब इसके पास बात करते हैं, जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड के जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है दिस इज जीरो. तो हमें एक डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको ये तो मैं जो बोल रहा हूँ समझ बनाने के लिए, आपको अगर नोट्स फॉर्म में लिखना है तो आप सिंपल पहले आप लिख देंगे कि सोलेनोइड इज अ, नोट्स में सिर्फ इतना लिखना है, सोलेनोइड इज अ कॉपर वायर, इज अ क्लोजली वाउंड करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन वाउंड ओवर द ओवर अ कॉपर वायर, दिस इज कॉल्ड अ सोलेनोइड. ठीक हो गया. एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉपर वायर. ठीक है, सिंपल. फिर उसके बाद बोलेंगे द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कॉपर वायर इज, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो एंड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको अगर पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होता है, उसको निकालिए, तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम डेरिवेशन करते हैं. तो हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड. ठीक है, अब हमने सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. अगर आपको एक जैसा अपनी इस तरीके से आप एक काम करिए, ऐसे करके स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका सोलेनोइड का इस तरीके का फॉर्म बना दिया. पहले कैसे दिखता है स्ट्रक्चर वो मैंने बना दिया है, मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ. ये गोल गोल जो है इनमें हमने इस तरीके से वायर को लपेटा हुआ है. ठीक है, वो जो ऐसे करके है तो वो वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज शो कर रहा हूँ, दैट इज कि आपका ये जो पार्ट है, ये जो मैंने गोल गोल से बनाए हुए हैं, दिस पार्ट इज इंडिकेटिंग दैट द वायर इज बाउंडेड हियर. ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे वायर है, तो उतना मैं नहीं दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए. और इसके अंदर आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन को ऐसे बना देंगे. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर आपने एम्पियर सर्किटर लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है, तो आप यहां पे एक क्लोज लूप बना दीजिए. ठीक है, इसका नेम कर देते हैं ए बी सी और डी. इस तरीके से हमने एक लूप बना दी. क्या नाम दे दिया इसका, ए बी सी डी. तो अब हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए जो ये सोलेनोइड में करंट फ्लो हो रहा है दैट करंट इज आई. सपोज इसमें लिख दीजिए लेट द करंट थ्रू द सोलेनोइड इज आई. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटर लॉ से क्या होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, एम्पियर सर्क्यूटर लॉ बोलता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू करेंट फ्लोइंग इनसाइड द लूप. तो लूप कौन है आपका, अभी आपके पास लूप है ए बी सी डी. तो आप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल जो आप यहां कह रहे हैं इसको आप ए बी सी डी ए लिख दीजिए. लूप आपका ए बी सी डी ए कहते हैं. ठीक है, तो ए बी सी डी ए को हम लोग सॉल्व करने जाते हैं. तो आपने क्या करना है, देखिए इसको आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, इसको आप चार पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. बी डॉट डी एल पहला पार्ट कौन सा है, ए बी. फिर आप यहां देख सकते हैं बी डॉट डी एल. आप फिर इस पार्ट की बात कर सकते हैं बी सी प्लस बी डॉट डी एल. आप बात कर सकते हैं सी डी पार्ट की प्लस बी डॉट डी एल. आप बात कर सकते हैं डी ए पार्ट की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट. तो उस पार्ट को हम एक एक करके जब बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सपोज बी सी एंड डी ए पार्ट की. ठीक है,
डीएल क्या है, डीएल आपका यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट होगा। आप इस लूप की बीसी की बात करें तो डीएल ये होगा, आप इसकी बात करें तो डीएल ये होगा, ठीक है। इस एलिमेंट की बात करेंगे तो डीएल ये होगा, इसकी बात करें तो आप डीएल ये कंसिडर करते हैं। एल इज दी टोटल लेंथ, इसकी हमने टोटल लेंथ एल ले ली है, ठीक है। तो जब आप ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अभी कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो मैं अर्लियर पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं, और आपके पास डीएल ये है तो ऑब्वियस ही बात है मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और डीएल इधर को है तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। और सिमिलरली यहां पे भी देखोगे, इसमें भी आप मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल देखेंगे, यहां पे ये एंगल भी कितना आएगा 90 डिग्री। तो आप बोल रहे हैं कि इंट्रीगेशन अगर मैं बी डॉट डीएल कौन से पार्ट की बात करता हूं, बीसी की बात करूं, या फिर मैं इंट्रीगेशन बी डॉट डीएल कौन से पार्ट की बात करता हूं, ये वाले डीए की बात करता हूं, तो वो होगा बी डीएल कॉस 90। दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90, और कॉस 90 सबको पता है जीरो होता है, तो ये दोनों की वैल्यू जीरो होगी। तो आप यहां पे इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कि हमने देखा कि जो ये वाला पार्ट है बी डॉट डीएल, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका जीरो हो गया। ऐसे ही देखिए आप इंट्रीगेशन बी डॉट डीएल ये वाले पार्ट की बात जब करते हैं सी डी, दिस इज इक्वल टू जीरो एज बी इज इक्वल टू जीरो आउटसाइड सोलेनोइड सोलिनॉइड। तो आपने ये देखे कि जो यहां पे आपके पास इंट्रीगेशन बी डॉट डीएल ए बी सी डी ए निकाल रहे हैं, उसमें से ये टर्म और ये तीन टर्म आपके जीरो हो जाते हैं। तो आपके पास बचेगा कौन सा टर्म, सिर्फ एक टर्म बचता है विच इज वॉट, आपके पास इंट्रीगेशन बी डॉट डीएल ए बी सी डी ए में सिर्फ एक टर्म बच रहा है, वो है बी डॉट डीएल, कौन सा वाला है आपका ए बी वाला पोर्शन है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, इस ए बी पोर्शन के लिए बी की डायरेक्शन ये है और डीएल की डायरेक्शन भी यही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होता है जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो जीरो। तो यहां पे हो जाएगा ये बी डीएल कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है आपका वन, तो यहां पे बी बाहर आ जाएगा इंट्रीगेशन डीएल, ये डीएल छोटा सा पार्ट है, पूरे का इंट्रीगेशन करेंगे तो दिस विल बी एल, तो ये हो गया बी इंटू एल, ठीक है। तो इंट्रीगेशन बी डॉट डीएल को आपने सॉल्व किया तो बी एल आ गया, कौन सा वाला ए बी सी डी है। तो ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी इंट्रीगेशन बी डॉट डीएल म्यू नॉट इंटू करेंट फ्लोइंग इन साइड द लूप वाले में आप ये ए बी सी डी ए बी डॉट डीएल की जगह पे आप पुट कर सकते हैं बी इंटू एल। अब इसको जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ये जो लूप का पार्ट है ए बी, ये वाला जो पोर्शन था ये और ये 90 डिग्री की वजह से जीरो हो गए, सॉरी ये और ये 90 डिग्री की वजह से जीरो हो गए, ये आउटसाइड होने की वजह से जीरो होगा, ये वाला एलिमेंट बचा है इसमें बी और डीएल की डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो हो जाएगा, सॉल्व करके आगे आपका बी और एल आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, इसको मैंने गलत बता दिया। तो अब यहां पे ध्यान से समझते हैं हम लोग कि हमारे पास ये जो टर्म था बी डॉट डीएल ए बी सी डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करेंट वाला जो हमने टर्म लिखा था, यहाँ पे करेंट लिख देता हूँ, ठीक है मैं भी, तो यहाँ पे बी इंटू एल आ जाएगा और यहाँ पे म्यू नॉट इंटू करेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए करेंट की बात करते हैं, तो हम एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे लेट, आप लिखिए इसको लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस सोलेनोइड इज स्मॉल एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने कहा कितने हैं, स्मॉल एन है, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन एन लेंथ, देखिए एक लेंथ में एन टर्न्स हैं तो टू में कितने होंगे 2n हो जाएंगे, 3 में 3n, 4 में 4n, तो एन लेंथ के लिए कितने जाएंगे nl, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे आपके पास, अगर आप वैसे बात करते हैं तो आपके पास हो जाएगा nl। आप शायद समझ रहे होंगे मैंने क्या बोला, आपके पास एक लेंथ के लिए टर्न्स n है तो आपके पास ये l लेंथ है तो l लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे आपके पास nl हो जाएंगे। तो यहां पे आपके पास जो टर्म आ गया है सॉल्व करके, यहां पे bl हो गया, अब म्यू नॉट ni होता था, देखिए अब यहां पे b इंटू यहां पे l की बात करेंगे तो म्यू नॉट, अब करेंट की बात करते हैं तो करेंट आपके पास अगर i है तो i को अगर उसमें 10 टर्न्स होते हैं तो हम कहते हैं करेंट 10 टाइम्स हो जाता है तो 10i हो जाता है, 20 होता है अगर 10 की जगह मान लीजिए 20 टर्न्स होते तो 20 आ जाता, 30 होता तो 30 आ जाता। तो करंट जो है, करंट की वैल्यू इस सेक्शन के अंदर कितना करंट होगा, तो आपने बोला कि अगर इस सोलेनोइड में से I करंट फ्लो कर रहा है और L लेंथ के लिए NL टर्न्स हैं तो NL टर्न्स में जो करंट होगा वो NL I होगा।
आई नहीं होगा, एन एल आई होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एल से एल आपका कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला आ गया आपके पास, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इन साइड अ सॉलिनॉइड। यहीं पे एक चीज और समझना कि अगर एंड पे पूछता बी, अगर कहां पे पूछता इसका एंड पे, तो वो हाफ हो जाएगा म्यू नॉट एन आई का। ये भी आपको ध्यान से समझना है कि अगर सॉलिनॉइड के, ये तो बीच में रहता है, अगर एंड पे निकालने के लिए बोला जाता था तो वो जो मिड में होता है उसका मिड का हाफ हो जाता है, दैट इज हाफ म्यू नॉट एन आई। सो दिस इज द रिलेशन। इफ दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, देन यू मे राइट दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, एंड वी मे ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। कि ग्राफिकल अगर हम इसको दिखाना चाहें थोड़ा सा, तो हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं। इस तरीके का हम लोग इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, यहाँ पे सपोज सेंटर इसका ओ हो गया, और यहां हम लोग इसको बोल देते हैं एंड ऑफ सॉलिनॉइड, एंड ऑफ सॉलिनॉइड। तो ये इसका एंड हो गया और ये आपका उसका मिड हो गया, ठीक है। अगर ये मिड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, और अगर एंड की तरफ जाते हैं तो सीधे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से एक सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एक्सप्रेशन होता है टोरॉइड के लिए, टोरॉइड को आप खुद से भी कर सकते हैं। टोरॉइड में क्या करते हैं, आपके पास जब ये सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड को अगर हम घुमा दें, जैसे आप अगर मान के चलिए ये मेरे पास वायर है, ठीक है, तो इसको अगर मैं इसे बेंड करूंगा तो सर्कुलर फॉर्म में बन जाएगी। अभी इसको वायर ना देख करके आप सोलेनोइड, सपोज ये है जैसे ना, अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये सोलेनोइड है। अब अभी तो ये बहुत रिजिड है, मार्कर की बात करता हूँ, अगर मार्कर भी लचीला होता, फ्लेक्सिबल होता, तो मैं इसको मोड़ता तो ये सर्कुलर फॉर्म में आता। तो जब सोलेनोइड को सर्कुलर फॉर्म में हम अगर बना देते हैं तो उस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं टोरॉइड, एंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड। तो सेम एक्सप्रेशन टोरॉइड के लिए होता है, उसमें आपके पास जैसे यहाँ पर एल आ रहा था, ये सॉल्व करके एल आ रहा था ना, तो उसके लिए आपका, आपको बताता है छोटा सा पोर्शन डेल्टा एल था, इंट्रीगेट करके एल आ रहा था, तो उसमें इंट्रीगेशन करोगे तो सर्कुलर फॉर्म में क्या आएगा, टू पाई आर, बस इतना डिफरेंस होता है और सेम एक्सप्रेशन रहेगा। तो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें आप इसके साथ फिर सॉल्व कर लेंगे एक्सप्रेशन ऑफ टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की डायरेक्शन भी देखना, इनकेस इफ यू हैव एनी डाउट, तो इसको कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में करना। आई विल बी मेकिंग अनदर लेक्चर ऑन द टोरॉइड, अदरवाइज इट इज ओके। आपको डायरेक्शन वगैरह समझ में आ जाएगी अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे रूल्स को। थैंक यू सो मच।